चाहिए प्रदेश प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हाँ ब्रिटिश ओवरसीज सोल्यूशनस माहिलपुर। इत्थे बच्चों नूं आइल्स पीटी स्पोकन इंग्लिश लाइव स्किल टैसट अंबैसी इंटरव्यूज़ की प्रैपरेशन दी जाती है। तो इस दे नाल नाल बाहर जाने वाले विद्यार्थियों लई स्टूडेंट वीज़ा विजिटर वीज़ा नैनी केयर PR की सुविधा भी मौजूद है। आई टीम ने इत्थों दे MD मैम नाल गलबात की जिन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज सोल्यूशन बारे सानूं जानकारी दी। बीते दिन ब्रिटिश ओवरसीज सोल्यूशन विखे आस्ट्रेलिया बेस्ड सैमीनार करवाया गया जिस बारे आस्ट्रेलिया के रिप्रजेंटेटिव ने सानूं जानकारी दी। सो जेकर तुसीं भी बाहर जाना चाहते हो तो ब्रिटिश ओवरसीज सोल्यूशन नाल जरूर संपर्क करो। दर्शको पंजाब प्लस चैनल दे कंजाइए प्रदेश प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां ब्रिटिश ओवरसीज दे कोल जिहड़े कि अज बहुत सुबह दे लगे हुए सी सैमीनार दे उपर और सैकड़े स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे आके इनक्वायरियां लै रहे सीगे और आस्ट्रेलिया के कॉलेज वाले जिहड़े हैगे एक्सपर्ट्स वह भी साडे नाल मौजूद ने। मैडम तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो 'च। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैडम जिस तरीके नाल ब्रिटिश ओवरसीज जिहड़ी हैगी 2008 तो सेवा कर रही हैगी और अज भी उस कवायद लगी हुई है कि साफ सुथरा काम और जो है उही जो अंदरों उही बाहरों मतलब उन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं है और अज लोग जोड़े है जोड़ा जो ब्रिटिश ओवरसीज़ का नाम आ जाता तो उन्होंने खुशी होंगी भी इतने साढ़े ना कोई परेशानी नहीं आऊगी और जिस तरीके सुबह के लाइन लगिया सगिया बच्चों दिया सैमीनार दे लई और जिस तरीके हूँ भी इनक्वायरियां असं तो उठा के जोड़ा है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कहना चाहोगे सर। थैंक यू सो मच फॉर द एप्रीसीएशन। जो असी कमिट करते हैं असी उही चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कोई फेक कमिटमेंट नहीं हैगी है। ऐसे मोटिव में लैके असी नाल चले दे हैं, इसे सर्विसिज़ नूं अगे भी प्रोवाइड करांगे, साडा तां इही टारगेट हैगा। और अज जिहड़े सर अज साडे कोल बैठे हैं आस्ट्रेलिया दे एक बहुत अच्छे कॉलेज दे रिप्रजेंटेटिव है, ब्रिस्बेन दे विच कॉलेज हैगा वा सर। प्लीज़ तुसीं अपना कॉलेज। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑपरचुनिटी। ब्रिटिश ओवरसीज़ रनाउंड नेम है इस जोग्राफी दे विच, पहला बहुत बधाइयां इस ब्रांड नूं एस्टैबलिश करन लई टीम नूं। ब्रिस्बेन कॉलेज ऑफ हॉर्टीकल्चर नूं मैं रिप्रजेंट कर रहा, ये लोकेटेड है एट सर क्रीक स्ट्रीट के उत्ते विच इज़ एट द हार्ट ऑफ द सिटी ब्रिस्बेन एंड ये 11 साल पुराना कॉलेज है जिहड़ा कि हॉर्टीकल्चर ते एग्री बिजनेस अलोंग विद लीडरशिप मैनेजमेंट ते बिजनेस दे कोर्सेज लई जाने जांदा है। सर जिस तरीके 11 साल तो तुहाडी सेवावां चल रही ने और बहुत सारे जिहड़े पंजाब दे स्टूडेंट है तुसीं उन्हां नूं नैटवर्क दे चुके हो, ब्रिटिश दे नाल अज तुहाडा किदां दा तुहानूं किदां लग्गिया जदों तुसीं अज आके इत्थे सैमीनार कीता और पुराने तुसीं इहनां नाल जुड़े हुए हो, अज दे सैमीनार 'च असीं आए हैं, तुसीं तां काफ़ी लंबा तुहाडी यूनियन है कि किदां मतलब अज ही तुसीं इहनां नाल अटैच होए हो? नहीं जी, ये काफ़ी पुरानी एसोसीएशन है। ब्रिटिश ओवरसीज़ बड़े कंसर्न ने, फिक्रमंद ने कि राइट प्रोग्राम्स ते राइट कॉलेजेस नाल वो एसोसीएट होके वो राइट सोल्यूशनस जिहड़े ने बच्चों तक पहुँचाउण। सो समय समय से ये अप्रोच करते हैं जिहड़े रनाउंड कॉलेजेस दे रिप्रजेंटेटिवस ने, अंडरस्टैंड करते हैं पहले रिक्वायरमेंट्स नूं, फिर मैचअप करते हैं जो स्टूडेंट की इंक्वायरीज ये डे टू डे जो रिसीव करते हैं। सो इन्हां दी एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच है जिन्हां दे करके इन्हां दा ये मुकाम भी अज इत्थे इस जोग्राफी दे विच या मल्टीपल लोकेशनस दे विच होया। सो ये साडे लई बड़ी खुशी दी गल है कि असीं इस एक सच्ची जिहनूं असीं एफर्ट कहांगे या कोशिश कहांगे उहदे 'च असीं हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रीसीएशन सर। सर जिस तरह कि अपना कॉलेज ब्रिस्बेन लोकेशन दे विच हैगा, ब्रिस्बेन जिहड़ी है बहुत ही डिमांडिंग प्लेस है अजकल दे स्टूडेंट्स दा, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕੇਡੈਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ते बिजनेस के कोर्सेज ऑफर करता है। हुण ब्रिस्बेन लोकेशन जी जो मैं थोड़ी गल करा तो ब्रिस्बेन लोकेशन न्यू वर्ल्ड सिटी के रूप च उभर रहा है क्योंकि 2032 इतने ओलंपिक्स प्लान ने जिहड़ियां कि पूरे प्लैनेट दे विच सब तो वड्डा स्पोर्टिंग वड्डा ईवेंट हुंदा है। 2000 दे विच ए ईवेंट सिडनी च होया सी तो उस तो बाद असी सारे ने देखा कि सिडनी जिहड़ा है वह बहुत ही मतलब एक रनाउंड सिटी के तौर पर न्यू वर्ल्ड सिटी के तौर पर पूरे वर्ल्ड से जाने गया। हूँ उस सेम ओलंपिक का ईवेंट 2032 ब्रिस्बेन के प्लैंड है तो ये इस लोकेशन नू होर भी स्पैशल बना दिंदा है। सो ये कोर्सेज जिहड़े ने किते ना किते बच्चों नू प्रोफेशनली वैल इक्विप्ड करके इन्हों एक कैरियर की एक नवी राह वाल मतलब प्रेरित करने वाले
प्रोग्राम्स ने कोर्सेज है जेडे कि टोटली पी आर ओरिएंटड भी है। आप इस पॉइंट को फरदर इलैबोरेट करांगे बट ब्रिसबेन दे विच जिहड़ा इस वेले पुल कह लिए या उहदी जिहड़ी प्रोमिस हैगी है वो बहुत ज़्यादा डिमांड च हैगी है। जिस तरह कि हॉर्टीकल्चर दे लई एडमिशन दे लई बैकग्राउंड जिहड़ा हैगा वो कि तुसीं आर्ट स्टूडेंट या मैडिकल या नॉन मैडिकल दे लई कोई इस तरह कोई ऑप्शन हैगियां कि किस प्रोफाइल में तुसीं एक्सेप्ट करोगे? हॉर्टीकल्चर ते एग्री बिजनेस लई प्राइमरली प्लस टू मेडिकल दे बच्चे प्रेफरेबल ने क्योंकि उत्थे सॉयल साइंस पढ़ी जाती है, वाटर मैनेजमेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लांट हाइजीन, प्लांट डिजीजेस, ये सारे टॉपिक्स कवर होंदे ने। बच्चा जिन्हें एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट पढ़िया होया वो भी कंसिडरेबल है। मीन्स आर्ट्स दे विच जेकर कोई एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट हैगा वो भी कंसिडरेबल दे विच एग्रीकल्चर किसी ने कीता तो वो भी प्रोफाइल तुसी एक्सेप्ट करा। बिल्कुल, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो आर्ट्स टीम वास्ते साडे कोल लीडरशिप मैनेजमेंट तो एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस है जिहड़ा कि आर्ट्स के बच्चों लिए एक बहुत ही रिनाउंड प्रोग्राम है, रिनाउंड चॉइस है। कि बिजनेस दिस कोर्स के लिए तुसी मैथ्स के लिए डिमांडिंग हैगी? नहीं, मैथ्स एज सच कोई क्रिटिकल फैक्टर नहीं है बट ओवरऑल जे बच्चे की परसेंटेज या इंडिविजुअल मार्क्स जो ने प्लस टू के सही ने 65% के अराउंड ने तो ये वो एक आइडियल प्रोफाइल मनिया जाएगा। तो इस दे नाल नाल आयल्स दा की रिक्वायरमेंट है? कोर्सेज प्रैक्टिकल साइड ते ने ज़्यादा, थ्योरेटिकल साइड ते थोड़े घट ने। टेफ स्पिरिटेड कॉलेज है सो ओवरऑल 6 वन मॉड्यूल 5.5 या पीटी दा स्कोर 55 नॉट लैस दैन 50 ये एक्सेप्टेबल एंट्री लैवल रिक्वायरमेंट है लैंगुएज प्रोफिशंसी हिसाब नाल। तो अगर प्लस टू जी स्टूडेंट है जिसने 2019 या 20 दे विच बैच अपना अपनी एकेडमिक क्लियर किया कि तुसी उस प्रोफाइल नूं एक्सेप्ट कर लोगे? देखो आस्ट्रेलिया हमेशा रीसेंट प्रोफाइल्स नूं प्रेफर करता है। 2020 का पास आउट जिहड़ा उहदे लई भी ज़्यादा समा नहीं है, जे कहीए तां 31 मार्च या उहदे आस पास क्योंकि 2022 का पास आउट ज़्यादा दूर नहीं है। तो जदों 2022 का पास आउट आ जाएगा तो फिर नैचुरली वो फस्ट चॉइस होएगी 2021 ते 22। सो 2020-21 के पास आउट्स जिहड़े बच्चे ने वो इस वेले उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी अप्लाई करके अपनी सीट सिक्योर करनी चाहिए। सपोज जिस तरह किसी ने 2020 या 21 दे विच अपनी प्लस टू क्लीयर की है तो उसनों जड़ा स्टिल 2022 इज गोइंग ऑन तो गैप वैलीडेट करना पड़ेगा या रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वन ईयर का या वन एंड हाफ ईयर का गैप क्यों है कहो एकेडमिक? देखो इस तरह तो पूरे वर्ल्ड सानू पता है 2020 मार्च तो पेंडेमिक सीगा, कोविड महामारी सीगी, बट जे प्रोग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सम डिप्लोमा और सम स्किल डिवेलपमेंट इन एट द लोकल लेवल इंस्टीट्यूट हुए तो दैट विल ऐड टू द SOP एंड दैट मेक्स द कैंडिडेचर मोर स्ट्रोंग। सो कोई क्रिटिकल नहीं है कि गैप जस्टिफिकेशन होना ही चाहिए बट जे हुए प्रोग्रेशन इन स्टडीज और स्किल डिवेलपमेंट दैट इज एडवांटेज। जिस तरह की मार्केट दे विच एक इनफॉरमेशन या एक गलबात या एक रूमर बड़ा फेमस है कि जी ऑस्ट्रेलिया आर्ट्स प्रोफाइल नहीं लेगा, तुसी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कह रहे हैं जिवें किसी ने मैथ्स के नाल आर्ट्स सब्जेक्ट दे विच मैथ्स लेता है या एग्रीकल्चर के नाल लेता है कि तुसी इस तरह के स्पेसिफिक कोर्सेज के नाल एप्लीकेशनस नूं एक्सेप्ट करोगे? देखो एज सच किसी भी स्ट्रीम वास्ते कोई परमानेंट यस या परमानेंट नो नहीं है। इट्स अबाउट द टोटल प्रोफाइल एज सच, पूरा प्रोफाइल किस तरह का है, वो कितने कितने दसवीं के जो मार्क्स ने वो भी कुछ परसेंटेज काउंट होंगी है। उस तो बाद फिर असी फाइल मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, SOP की मैनशन करते हैं कि रेलीवेंसी प्रोग्राम की या वह आउटकम कैरियर ऑपरचुनिटी आस्ट्रेलिया किस तरह बच्चा देखता है, जो वो प्रूव हो जाता है या कितने कितने कन्विंस हो जाता वीज़ा ऑफिसर दैट्स वेयर वीज़ा ग्रांट होंदा है। सो एज सच जे आपां कह दिए कि आर्ट्स वालों वास्ते इररेलीवेंट है तो वह गलत होएगा। तो जिहड़े असी फंड्स शो कर रहे हैं तो यह फंड्स तुसी रीसेंट फंड्स ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट करोगे या इट शुड बी 3 months ओल्ड और जो थोड़ा की क्राइटेरिया है? देखो मैम 4 स्ट्रोंग सिग्नल्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आस्ट्रेलिया ने दिते ने विच स्पीक्स वॉल्यूम्स के उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड है प्रोफेसनल्स की। सो अंबैसी वेवर वॉज द सैकेंड स्टैप, फस्ट ओपन वर्क राइट्स परमिट उन्होंने किया। सो अंबैसी वेवर या अंबैसी रिफंड जो अं कही टू बी वेरी स्पैसीफिक जेडा का बच्चा उत्थे जाके अप्लाई करेगा तो उन्होंने रिफंड दिता जाएगा, वो क्लीयरली इस्टैबलिश करता है कि इतने कोई डिसकनैक्ट नहीं है कि वर्क राइट्स लिमिटेड ने 20 hours पर वीक ने, तो जो वर्क राइट्स ओपन ने तो अर्निंग ओपरचुनिटी ज़्यादा है, जे अर्निंग ओपरचुनिटी ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा है,
जो सेविंग ज़्यादा दैट मीन्स फंड द रिक्वायरमेंट इतनी टाइट नहीं है, बट यस जेन्युइन फंड्स 1.5-2 महीने पुराने भी हैं तो दे आर कंसिडरेबल। ओके, तो इस दे नाल नाल सर फीस स्ट्रक्चर का भी थोड़ा जहा क्लियर कर देंगे कि फीस का की है। बिल्कुल, बड़ी जेन्युइन लो कॉस्ट लोकेशन है, तो बड़ी जेन्युइन लो कॉस्ट प्रोग्राम फीस है, $12,000 एनुअल फीस है जिहड़ी कि बच्चा एक साल इतने पे करके जाता है, फिर उस तो बाद सैकेंड ईयर जो उत्थे पे करता है। मैडम जिदा तुसी साडा बने हो और साडा काम काफ़ी तुसी मतलब संभाल रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के माइंड दे विच हैगा तुसी ऑलरेडी उही चीज़ां जिहड़ी हैगियां नाल डिस्कस कर रहे हो। सर की कहना चाहोगे कि जिस तरीके का सिनेरियो हुण इस वेले है और लोगों में पॉजिटिविटी है, अखां दे विच काफ़ी रौनक है बच्चों दे कि असी हुण सब कुछ खुल जाएगा और एक पॉजिटिव वाइब्स जिहड़ियां हैगियां चलियां हुई ने। बिल्कुल जी, कंट्रीज़ वास्ते भी, स्टूडेंट्स वास्ते भी, इकोनमीज़ वास्ते भी, ये 2-2.5 साल तो बाद एक फ्रैश वेव, फ्रैश एयर कह सकते हैं आपां कि स्लोली यू नो विद वैक्सीनेशन या बाकी प्रैक्टिसेस नाल सारे ने कोरोना नाल कोविड नाल रहना सीख लिया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लस होएगी, कंट्रीज़ डिफरेंट जेस्चर्स दे रही हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंट्री लैवल रिक्वायरमेंट्स नू चेंज कर रही हैं, ईवन PR दी रिक्वायरमेंट नू भी यू नो रीलुक दी जा रही है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है, राइट प्रोफाइल नू राइट मैच्योर कंसल्टेंट दे थ्रू जे असी प्रोसैस करावांगे तो डेफिनेटली वीज़ा सक्सैस हायर साइड पर आएगी। सर जिस तरीके ना तुसी मार्च की गल की, 31 मार्च की गल की आ, मार्च अबाउट टू कम, यह मतलब कि 2020-2021 वाले स्टूडेंट्स नू बहुत तेजी दे नाल हुण अगर उन्होंने जाना तो मेहनत करनी चाहिए। नैचुरली पहला तो मजबूरी सी, हेल्पलैसनेस सी, हुण तो सब कुछ क्लीयर है, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया नॉलेज दे रहा है, कलैरिटी है, सो वाई टू वेट, उन्होंने राइट कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए, अपना प्रोफाइल असैस करवा के जड़ा प्रोग्राम उन्होंने रेलीवेंसी नाल मैच करता है उन्होंने चूज़ करके जल्दी तो जल्दी अपनी फाइल में प्रोसैस करवाना चाहिए। सर की अज तुसी मतलब जो है इन्हों ब्रिटिश ओवरसीज़ वाले जोड़े है किसी ने भी कोई इनकुआरी लैनी है या किसी ने जिस तरीके होर कोई किसी के मन कोई शंका हैगी जे दर्शक साढ़े बने हुए हैं अगर वो कोई होर भी मतलब चाहता वह ब्रिटिश ओवरसीज़ में मिलकर थोड़े न मतलब अटैचमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ब्रिटिश एसोसिएट्स ब्रिटिश ओवरसीज सॉरी ये रनाउंड नेम है इस पूरी ज्योग्राफी दे विच, ते बड़े जिस तरह मैं पहले कहा बड़े सीरियसली ये प्रोग्राम की स्टडी करते हैं, फिर इंक्वायरीज जिहड़ियां इन्हां नूं आंदियां उन्हां नाल मैच करके बच्चों राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो जे कोई बच्चे डायरैक्टली अपना प्रोफाइल ब्रिटिश ओवरसीज़ तो साढ़े नाल साढ़े कोलों असैस करवाना चाहते हैं तो ये अप्रोच करन, असी ऑफिस दे विच बैठ के ऑन द स्पॉट इन्हां नूं असैसमेंट ते प्रोग्राम रेलीवेंसी दा यू नो कन्फर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।